Hey everyone, my name is Aditya and welcome back for another video. So guys, it's been a while कि मैंने कोई hair styling product का review किया हो, तो आज के इस video में मैं काफी जाने माने brand जो हर दुकान पे मिलता है, आपने title पढ़ी लिया तो आपको पता है मैं कौन से brand की बात कर रहा हूँ। brand का नाम है Gatsby एंड उसके फाइबर वैक्स का रिव्यू करने वाला हूँ मैं। आप कहीं पे भी चले जाए, आप सुपरमार्केट चले जाए, आप कोई स्टोर में चले जाए, वहाँ पे आपके प्रोडक्ट पड़े हुए मिल ही जाते हैं गैट्सबी के, एंड ये काफ़ी चीप भी आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इस प्रोडक्ट का कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूँ, आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये प्रोडक्ट कैसा है, अगर आप ऑन करते हैं तो आपको इसे यूज़ करना चाहिए या यूज़ नहीं करना चाहिए, एंड साथ के साथ मेरे पास एक एक्स्ट्रा भी पड़ा हुआ है तो मैं इसका गिव अवे भी करने वाला हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, बिल्कुल चुप। मैं गिव अवे के जो रूल्स है वो आगे वीडियो में बताऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड गाइस डोंट वरी, चैनल पे आगे काफी गिव अवेज आने वाले हैं। मैं स्टार्ट गैट्सबी से कर रहा हूँ, इसका मतलब ये मत सोचना भाई सस्ता माल पकड़ा रहा है ऐसा कुछ नहीं है, आने वाले आगे गिव अवेज। आप सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, बेल आइकन दबा के रखना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। सो गाइस हम स्टार्ट करते हैं इस प्रोडक्ट रिव्यू को इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग से। पैकेजिंग की बात करें तो इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग काफ़ी सिमिलर है इसका जो पुराना वेरिएंट आता था गैट्सबी मैट एंड हार्ड, मतलब पुराना दूसरा जो वैक्स आता था गैट्सबी का, उसकी तरह ही पैकेजिंग है इसकी। सेम जार में आता है, सेम प्लास्टिक का जार है, कुछ खास नहीं है, कुछ प्रीमियमनेस नहीं है, सिंपल पैकेजिंग है। जब आप प्रोडक्ट को ओपन करते हो तो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं मिलता है, आपको एक प्लास्टिक का थोड़ा कवर सा मिल जाता है, कवरिंग मिल जाती है, उसके अंदर आपको मेन प्रोडक्ट मिलता है। तो पैकेजिंग ओके है ना, मुझे कुछ ज़्यादा पसंद आई है, बट कुछ बुराई भी नहीं है, सिंपल सी पैकेजिंग है और जिस प्राइस पे मिलता है मेरे हिसाब से उस प्राइस में तो आपको कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए। इसकी स्मेल की बात कर लेते हैं तो इसकी जो स्मेल है, इसकी सेंट है, पहले खोलने दो बस। ये इस पैकेजिंग की एक दिक्कत लगती है मुझे कि जब आप प्रोडक्ट खोलते तो आपको चार बार इसे ऊपर से इस कवर को हटाना पड़ता है, एंड ये थोड़ा अजीब लगता है, मुझे पसंद नहीं आता। बाय द वे स्मेल की बात करें तो ये काफ़ी सिमिलर सेंट है जो गैट्सबी मैट एंड हार्ड वैक्स की थी, अगर आपने वो यूज़ किया है तो आपको पता लग जाएगा। इसकी जो सेंट है काफ़ी सिमिलर है, कुछ ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं पड़ रहा है मेरे को सेंट से, ओवरऑल ओके है। ऐसे भी स्मेल डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, मुझे पसंद आए ज़रूरी नहीं आपको, एंड आपको पसंद आए ज़रूरी नहीं मुझे, तो डिपेंड करता है। स्मेल ओके लगी है मुझे इस प्रोडक्ट। कंसिस्टेंसी एंड ब्रेकडाउन की बात कर ले तो ये प्रोडक्ट की जो कंसिस्टेंसी है, इस प्रोडक्ट का नाम है फाइबर वैक्स, एंड ये इस प्रोडक्ट की जो कंसिस्टेंसी है काफ़ी क्रीमी है। कंसिस्टेंसी ईजिली जार से बाहर आ जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के, हैंड्स में बिना किसी प्रॉब्लम के ब्रेक हो जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आती इस प्रोडक्ट को हैंड्स में ब्रेक करने में। एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा मामला इंटरेस्टिंग हो जाता है, बिकॉज जैसे ही ये प्रोडक्ट को आपने हेयर में अप्लाई करते हैं, जैसे ही आपके हेयर को टच करता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रिप फील होगी, एंड इस प्रोडक्ट को अप्लाई अगर आप करोगे, आपने थोड़ा ज़्यादा अमाउंट ले रखा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको टग एंड पुल एक्सपीरियंस होने ही वाला है, एंड ऐसा क्यों होता है ये हम आगे बात करते हैं। होल्ड एंड फिनिश की बात कर ले तो ये प्रोडक्ट क्लेम करता है आपको अल्ट्रा हार्ड होल्ड देने की, मतलब इसने लेवल्स बना रखे हैं सॉफ्ट, हार्ड, सुपर हार्ड, एंड जो फाइनल लेवल है इस वैक्स के हिसाब से वो है अल्ट्रा हार्ड, एंड ये फोर्थ नंबर पे आता है। स्ट्रॉन्ग होल्ड मतलब एक्सट्रीम होल्ड की बात कर रहा है ओवरऑल, अगर मैं कहना चाहूँ सिंपल भाषा में तो ये प्रोडक्ट क्लेम करता है आपको एक्सट्रीम होल्ड प्रोवाइड करने से, एंड जहाँ तक मुझे लगता है इसका जो क्लेम है वो सही भी है, बिकॉज इस प्रोडक्ट से आपको डेफिनेटली एक्सट्रीम होल्ड मिलता है। मैंने इसे अपने लॉन्ग हेयर में अप्लाई किया, मैंने कुछ ज़्यादा अमाउंट लिया भी नहीं था, फिर भी इस प्रोडक्ट ने मुझे काफ़ी अच्छा होल्ड प्रोवाइड किया है, तो मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि ये प्रोडक्ट आपको एक्सट्रीम होल्ड प्रोवाइड करता है। इवन मेरे लॉन्ग हेयर लेंथ पे इसने इतना अच्छा होल्ड प्रोवाइड किया है, तो अगर आपकी शॉर्ट टू मीडियम हेयर लेंथ है तो उस पर आपको बहुत अच्छा होल्ड मिलने वाला है इस प्रोडक्ट से। सो गाइस फिनिश की बात करें तो ये प्रोडक्ट क्लेम करता है आपको नेचुरल फिनिश प्रोवाइड करने की, ना ज़्यादा शाइनी फिनिश, ना ज़्यादा मैट फिनिश, एंड मुझे लगता है कि नेचुरल थोड़ा ज़्यादा शाइन की तरफ ज़्यादा है, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इससे आपको शाइनी फिनिश मिलेगी, बट हाँ नेचुरल से थोड़ा ज़्यादा शाइनी की तरफ है ये कंपेयर टू मैट की तरफ, तो आपको इससे नेचुरल शाइन फिनिश मिलेगी। वॉशिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो ये जो प्रोडक्ट है वाटर सोल्यूबल नहीं है, आपको डेफिनेटली शैम्पू यूज़ करना पड़ेगा इस प्रोडक्ट को अगर आपको अपने हेयर से कम्प्लीटली रिमूव करना है, तो ओनली विद वाटर रिमूव नहीं होगा। तो गाइस अब इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं, क्या ये प्रोडक्ट के अंदर सेफ इंग्रेडिएंट है, तो इस प्रोडक्ट के अंदर आपको
मिनरल ऑयल्स मिल जाते हैं, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के अल्कोहल्स मिल जाते हैं, काफ़ी सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स भी मिल जाते हैं इस प्रोडक्ट के अंदर। मैंने इसे चेक किया है एंड मैंने 2-3 बार चेक कर लिया, इसके अंदर मुझे पैराबिन तो नहीं दिख रहा है, बट मिनरल ऑयल है, अल्कोहल जैसे प्रोडक्ट हैं एंड काफ़ी सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स भी है। तो पर्सनली मैं इसे ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, मतलब अगर आपको रेगुलर बेसिस पर यूज़ करने के लिए कोई हेयर वैक्स चाहिए तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज इसके इंग्रेडिएंट्स में काफ़ी सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स है, प्लस मिनरल ऑयल वगैरह जैसे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स भी है, जो अगर आप रेगुलर बेसिस पर लॉन्ग टर्म में यूज़ करेंगे तो आपके हेयर को डैमेज और ड्राई बना सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं मेरे कंक्लूजन की, क्या मैं इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करूँगा। तो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया है, इसके इंग्रेडिएंट्स सेफ नहीं है, रेगुलर बेसिस पर यूज़ करने के लिए ये प्रोडक्ट बिल्कुल सेफ नहीं है, मैं रेगुलर बेसिस पर यूज़ करने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। बट आप कोई हैं अगर रेगुलर बेसिस पर यूज़ नहीं करते हैं, वंस इन अ वाइल कभी हफ्ते में एक बार लगा लिया, 2 बार लगा लिया, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली है। इसकी परफॉर्मेंस देखो अच्छी है, आपको अच्छा होल्ड मिल जाता है इससे, इसके होल्ड से मैं सच में इंप्रेस हूँ, अच्छी फिनिश मिल जाती है इससे। इसके जो बाकी प्राइस वगैरह की बात करें तो 200 रुपये के अंदर मिल जाता है प्रोडक्ट, तो बजट प्रोडक्ट है ये। अगर आपको रेगुलर बेसिस पर यूज़ नहीं करना है तो आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, सस्ता पड़ेगा, बजट में आएगा एंड आपको एक बार थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि हेयर प्रोडक्ट्स होते कैसे हैं, स्पेशली अगर आपने कभी कोई हेयर प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया हो तो। बट अगेन रेगुलर बेसिस पर यूज़ करने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इस प्रोडक्ट को, मिनरल ऑयल वगैरह दूसरे इंग्रेडिएंट्स है जो आपके हेयर को डैमेज कर सकते हैं इन माय ओपिनियन। तो बात कर लेते हैं गिव अवे की। अब आप बोलोगे कि भाई तू रिकमेंड ही नहीं कर रहा है तो गिव अवे क्यों कर रहा है, बट बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो ये प्रोडक्ट खरीदते हैं और यूज़ करते भी हैं। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, आगे आपको देखना है। मेरे पास पड़ा है एक्स्ट्रा, तो मैं गिव अवे कर रहा हूँ इस प्रोडक्ट का। गिव अवे के रूल सिंपल है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट छोड़ना है नीचे, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइबर होना काफ़ी ज़रूरी है एंड आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा। ये 4 स्टेप है एंड मैं 1 से 2 हफ्ते के अंदर विनर्स चूज़ कर लूँगा, मतलब एक ही विनर होगा, विनर्स तो क्या होंगे, विनर को चूज़ करके उसको इंस्टा पे मैसेज करूँगा। तो आपको 4 चीज़ें करनी है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, नीचे कमेंट करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, तभी जाके आपकी एंट्री काउंट की जाएगी एंड 2 हफ्ते के अंदर अंदर मैं आपको रिजल्ट्स बताऊँगा इस गिव अवे के। सो अभी पार्टिसिपेट कर लो फटाफट, सारी जो चीज़ें हैं, हो सकता है आप ये प्रोडक्ट जीत जाओ एंड आगे फ्यूचर में और गिव अवेज आने वाले हैं। बाय द वे अगर आपने कुछ हिंदी समझ रहे हो नहीं धीरे धीरे और गिव अवेज आएंगे चैनल के ऊपर। दैट्स द रिव्यू, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई देन मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ के साथ बेल आइकन भी दबाना ताकि आपकी कोई भी फ्यूचर वीडियो मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन कीप सेलिंग एंड ड्रॉ।